एंड भाई फाइनल बाय बाय बोलने का टाइम आ गया अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन को, क्योंकि लास्ट टाइम हम इसको बस देख रहे हैं। इसके बाद सीधा हमें ये अब ईरान में जाके मिलेगी और वहीं की सड़कों पे हम इसे चलाएंगे। सही सलामत हमारी गाड़ी पहुंच जाए बस ईरान, यही दुआ है। चलो जी चलो, फाइनली चेकआउट कर दिया है। पिछले 6-7 दिन से इसी होटल में पड़े हुए थे हम, गाड़ी शिफ्ट करने आए हुए ना। हालांकि ये वाला एपिसोड हमारा डेली टू लंदन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कुछ है भी न्यूज़ से रिलेटेड दिखाने का, तो ये नॉर्मल व्लॉग ही है भाई। और फिलहाल मुंबई से आज हम एग्जिट कर जाएंगे और वापस दिल्ली चले जाएंगे, बट गाड़ी आज अपनी यहीं पे रह जाएगी, यहीं पे मतलब जो हमारा पूरा शिपिंग करवा रहे हैं उनके पास छोड़ जाएंगे, एंड फिर वो आगे जो है अपना शिपिंग कर देंगे कल या परसों तक। हम बाकी दिल्ली होंगे, क्योंकि हमने आज की ना भाई फ्लाइट बुक कर ली थी ऑलरेडी, तो अब हम और रुक नहीं सकते किसी भी हालत। सबसे पहले भाई बिल विल क्लियर करते हैं जो भी बचा हुआ है यहाँ का, और फिर निकलेंगे। चलो जी बिल विल क्लियर है और हम रुके हुए थे भाई ये 7 ओक्स होटल में। बाकी गाड़ी अभी रेडी हो रही है, सामान वगैरह लगा रहे हैं। कैसे हो भाई? बढ़िया। तो ये वो होटल है भाई, अच्छा था, थोड़ा सा मुंबई के हिसाब से तो वैसे सस्ता ही था, बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो महंगा था। बट मुंबई में आपको पता ही है भाई होटल्स के प्राइस वगैरह बहुत ज्यादा है। गाड़ी भी बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। फिलहाल इसको देने जाना है अभी हमें, उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स भी फोटोकॉपी वगैरह करवाने हैं, फिर हमारी रात की फ्लाइट है, हम निकल जाएंगे अपना वापस। बाकी यहाँ पे दीपक भैया थे, काफी अच्छी खाते हुई, थैंक यू। इनका भी चैनल है किस नाम से? KSG ट्रेवल्स, ठीक है। व्लॉग्स बनाते हो ना उसमें? देखना एक बार, चेकआउट करना जाके। ठीक है भैया, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी। ओके भैया, ओके, टाटा बाय बाय। सब कहाँ ले लो, बिल्कुल ले लो। पता कैसे चला होटल का? अरे आपकी गाड़ी देख के। अच्छा, यहीं से गुजर रहे थे? मित्र पे नाके पे रहता। अच्छा चलो ले लो। तो अभी भाई इसलिए करना पड़ा क्योंकि रात तक के ले लेते तो वो पूरे दिन का ही चार्ज लगा देते, तो उससे अच्छा इन भाई साहब का यहाँ पे ही फ्लैट है, वहीं पे रुक जाएंगे 2-3 घंटे के लिए, और जैसी बुलावा आएगा गाड़ी को लेके हम चले जाएंगे। वैसे तो ना आज ही पोर्ट पे क्लियरेंस होनी थी सब चीजों की, बट 1 तारीख है आज, 1 मई तो लेबर डे भी है और महाराष्ट्र डे भी है, जिसकी वजह से पूरा भाई बंद पड़ा है। मुंबई पूरा बंद है पता नहीं, पर पोर्ट में कोई भी आज काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो एक और टेंशन वाली बात। तो अच्छा हमने तो फ्लाइट करवा ली, हम अपने घर जा रहे हैं। अब ये देख लेंगे भाई पीछे से अपने आप क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि इतने दिन रुक गए, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है यहाँ पर। अभी दोपहर के 1 बजे जो है ब्रेकफास्ट किया जा रहा है, ब्रेकफास्ट लंच जो मर्जी समझ लो, और एक इडली और एक वड़ा और बस। लो जी पहुंच गया, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है। जो जो सामान हमें फ्लाइट से अपने घर ले जाना है ना वो निकाल लेते हैं, और जो शिप में ही जाएगा सामान वो पड़े रहने देते हैं। लो भाई हो गया, कांड हो गया, शेट शेट, ये तो ले जाना है। चलो ये जूते किसके हैं? सामान अपना सारा रख दिया है, डॉक्यूमेंट ले लिए। अभी पहले इनकी वो कलर फोटो कॉपी करवानी पड़ेगी, पासपोर्ट की भी, वीजा की भी, फ्लाइट टिकट की भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आप बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहते हो तो अभी के अभी हनीगेन का यूज करना शुरू करो। हनीगेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके डिवाइस के बैकग्राउंड में रन होता है, उसके बदले आपको पैसे बना के देता है। इतने भी पैसे कमा के नहीं देगा कि भाई आप हमारी तरह स्कॉर्पियो से दिल्ली टू लंदन बाय रोड कर लोगे, बट इतना कमा देगा कि मंथली आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन या फिर संडे को मोमोज खाने के पैसे बच जाएंगे। हनीगेन आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करता है, उसके बदले आपको पैसे देता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इंटरनेट कनेक्शन यूज करता है कहीं हमारा पर्सनल डेटा तो नहीं ले लेता है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऐप बिल्कुल सेफ टू यूज है। अच्छा अगर आप और पैसे कमाना चाहते हो ना, तो इनका रेफर एंड अर्न का भी सिस्टम है, जिसमें ना आपको हनीगेन को अपने दोस्तों या फैमिली वालों को रेकमेंड करना है, एंड वो अगर आपके लिंक के थ्रू यूज करते हैं हनीगेन, तो उनकी लाइफ टाइम अर्निंग का 10% आपको भी मिलता रहेगा। तो इसलिए भाई देर मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एंड साथ ही साथ में मेरा कूपन कोड जरूर यूज कर लेना बैकपैकर, जिससे आपको इंस्टेंट $5 मिल जाएंगे। और क्या चाहिए भाई साहब, है ना, मस्त एकदम। एक्चुअल में हमारे ना ओरिजिनल पासपोर्ट की यहाँ पे जरूरत थी, बट क्योंकि हम अभी यहाँ पे रुक नहीं रहे, तो उन्होंने कहा था कि अपने पासपोर्ट के सारे पेजेस की कलर फोटो कॉपी करवा के दे देना और उस पर साइन करके दे देना, साथ में जो ईरान का वीजा है उसकी भी कलर फोटो कॉपी, तो वो सब कुछ रख लिया है, बस कलर फोटो कॉपी करवानी है। कार्नेट वही रखेंगे क्या फिर? नहीं नहीं कार्नेट वो रखेंगे ओरिजिनल भाई, ओरिजिनल पे वो स्टैंप लगेगा कस्टम का कि इंडिया से गाड़ी निकल गई है, वही मैं सोच रहा हूँ। फिर ये वापस कैसे देंगे हमें, पता करते हैं एक बार जाके। तो जहाँ पे गाड़ी देनी है ऑलमोस्ट पहुंच गए, पनवेल में ही है, अभी हमें यहाँ पे फ्यूल भरवाना है क्योंकि बिल्कुल गाड़ी में निकलना नहीं है, जाना है सुबह। तो भाई केवल 2000 रुपए का ही डलवा रहे हैं, क्योंकि शिपिंग के वक्त ना वैसे भी टैंक में कम से कम होना चाहिए डीजल, इसलिए अभी इतना डलवा रहे हैं कि बस चलने फिरने के लिए काम आ जाए। और यहाँ पे 92.23 रुपीस लीटर है, और ईरान का रेट मैं जब आपको वहां जाके बताऊंगा ना, आपके जमीन ऐसे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, इतना सस्ता भाई साहब। एक्चुअल में गाड़ी आज ना कंटेनर में नहीं चढ़ने वाली है, एक वहां पर पार्किंग स्पेस है लॉजिस्टिक्स का ही है वो उनका, तो वहीं पे खड़ी रहेगी, फिर कल या तो परसों मैक्स टू मैक्स जो है वो अपने आप गाड़ी को चला के ले जाएंगे, इसकी शिपिंग वगैरह करवाएंगे और कंटेनर में लोड करके सील लगा के भेज देंगे बंदर आवास के लिए, और फिर वो बंदर आवास पहुंच के हम सील खोलेंगे, अपनी गाड़ी उतरवाएंगे मस्त एकदम,
और फिर रोड ट्रिप की शुरुआत वहाँ से डन। तो भाई मिल गई है यहाँ पे फोटोकॉपी की शॉप, सारे डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं जल्दी जल्दी, और यही भैया है जिनको देने हैं। कैसे भैया? गाड़ी भाई यहीं पे छोड़ के जानी है, भैया ने ड्राइवर मंगवा लिया। कहाँ जाएगी गाड़ी भैया ये? अपने पार्किंग में। पार्किंग में वो लॉजिस्टिक का ही पार्किंग है? नहीं नहीं, फिर प्राइवेट पार्किंग है, तो सेफ रहेगी ना पूरी, कोई दिक्कत नहीं। और भैया कह रहे हैं अगर आप भी रुकना चाहो तो 5 तारीख तक रुकना पड़ेगा। भाई हम रुक नहीं सकते, हमारी ऑलरेडी फ्लाइट बुक है आज दिल्ली की भी और फिर आगे दिल्ली से दुबई की भी, तो इसलिए अब हम करवा के जा रहे हैं। मेनली भैया ने यहाँ पे वीजा की कॉपी लिया, कलर हमारी ईरान की, फ्लाइट टिकट लिया है दिल्ली से दुबई की, और दुबई से हम फेरी में जाएंगे तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो वहीं पर जाके बुकिंग होगी। और उसके अलावा पासपोर्ट का हर एक पेज कलर कॉपी लिया है, साथ में 10 ब्लैंक पेजेस A4 साइज शीट पे उस पे साइन। ये शीट्स आ गई है भाई, इन पे साइन कर देता हूँ। इनवॉइस निकलेंगे इस पे, तो जो भी कस्टम वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी वो सब फिर इन पेजेस पे प्रिंट होके हो जाएगा। हाँ, वो फोटो कॉपी मिल जाएगा, परफ्यूम रह गया था गाड़ी में गलती से, इसको भी निकाल लिया। एंड भाई ये तारे वारे सब अब निकाल के इसी में डाल देते हैं ताकि सेफली रहे, क्योंकि अभी यूज तो होने नहीं। पीछे पीछे। इसके अलावा भाई यहाँ पर ये साईं बाबा जी की है, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं वैसे इतनी। बाकी ये साईं बाबा जी का लिया था, ये टूट चुका है तो ये हम अपने साथ ही ले जाते घर वापस। ये देखो भाई 2 सूटकेसेस जा रहे हैं, 1 ट्राईपोड जा रहा है। सूटकेस में हमने ORVMs वगैरह रख लिए, इसके अंदर हमने अपने सारे ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, इसके अंदर भी स्पेयर पार्ट्स है काफी। एंड जो सेकंड रो है इसमें मैट्रेस तो जाहिर है, बाकी ये जो नीचे 2 बॉक्सेस है इसके अंदर हमने सारी वायर्स और अपना स्पेयर पार्ट्स या टूल किट जो भी एक्स्ट्रा है वो सब भर दिया, और आगे से गाड़ी बिल्कुल खाली है, तो डन हो गया काम। एंड भाई फाइनल बाय बाय बोलने का टाइम आ गया अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन को, क्योंकि लास्ट टाइम हम इसको बस देख रहे हैं। अब इसके बाद सीधा हमें ये अब ईरान में जाके मिलेगी और वहीं की सड़कों पे हम इसे चलाएंगे। चलो जी टाटा बाय बाय, निकल रहे हैं भैया, उनका कोई ड्राइवर आ रहा है जो लेकर जा रहा है, तो हम इस एरिया में कहीं पे गाड़ी को छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद जो है वो भैया की जिम्मेदारी है पूरी, क्या है क्या नहीं। अभी भाई ओरिजिनल कारनेट जो है वो भैया के पास ही है और गाड़ी की चाबी भी भैया के पास है, तो हमने इनसे बात कर ली है। अगर तो जैसे 3-4 तारीख तक गाड़ी शिप हो गई तो उसके बाद कोई हमारा जानकार या कोई भी दोस्त वोस्त आ रहा होगा मुंबई से दिल्ली, तो ये कारनेट ओरिजिनल और चाबी गाड़ी की उनको पकड़ा देंगे ताकि वो 8 तारीख से पहले हमें दे दे और फिर हम दुबई जो है वो लेकर जाए कारनेट और वो। बाकी अगर नहीं आ पाते तो फिर क्या होगा, ये ईरान ही पहुँचा देंगे, ईरान में जो हमारा एजेंट होगा वही हमें सीधा दे देगा कारनेट भी और गाड़ी की चाबी भी। बाकी हम चाबी दोनों कैरी करेंगे, एक पांडे की जेब में रहा करेगी एक मेरी जेब में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। पैकेजिंग अच्छे से करवा देना पूरी, ठीक है ना? अरे आपको हर एक चीज का फोटो मिलेगा। ठीक है, फोटो नहीं चाहिए, आप सही से करवा देना बस। यहाँ से अभी कैब कर लिया है, अभी भाई के उसमें रूम पे ही जा रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट के लिए तो शाम को 6-7 बजे निकलेंगे, अभी इतनी जल्दी करके क्या करना, 2 बजे है दोपहर के, तो आराम से 3-4 घंटे रेस्ट मारेंगे वहाँ पे, फिर अपना दिल्ली वापस। मतलब भाई 8-9 दिन में याद आने लग गई घर की, मैं सोच रहा हूँ वहाँ 110 दिन में क्या हालत होगी। बट एक संतुष्टि है कि भाई फाइनली गाड़ी का काम हो गया और गाड़ी जा रही है अब, हालांकि शिप पे नहीं चढ़ी है बट हमारे हाथों से तो जा ही रही है ना भाई, हमारी टेंशन खत्म, अब जो है वो आगे संभाल लेंगे। हम 8-9 दिन से यही मुंबई में पड़े हुए थे इसके चक्कर में, और आज फाइनली हो ही रहा है काम। भाई अपनी कैब नहीं आई लेकिन उनके ड्राइवर आ गए, तो लेकर जा रहे हैं गाड़ी को, सही सलामत हमारी गाड़ी पहुंच जाए बस ईरान, यही दुआ है। आज भाई 1 तारीख है और हमें ये गाड़ी लगभग 12 या 13 तारीख को मिलेगी ईरान में, मतलब पहुंच तो 2-4 दिन पहले ही जाएगी बट हमें 12-13 को ही पिक करनी है, उसके बाद फिर हम मस्त ड्राइव करेंगे। चलो जी ये रही भाई अपनी कैब। गर्मी हो रही है भाई खतरनाक वाली, आ गए हैं रूम के यहाँ पर, थोड़ी देर एसी वैसी चला के रेस्ट मारते हैं, कुछ 1-2 वेब सीरीज वगैरह भी डाउनलोड कर लूंगा फ्लाइट में देखने के लिए। वैसे तो 1.5-2 घंटे की फ्लाइट है, ज्यादा देर की नहीं है, बट ठीक है 3-4 एपिसोड भी हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है ना। लेटर दैट सेम इवनिंग। चलो जी फाइनल पैकेजिंग अपनी स्टार्ट कर दी हमने निकलने के लिए, मस्त 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लिए एसी में बैठ के, अब निकलेंगे ठंडे ठंडे में। मेरा बैग तो भरे पड़े है, इसी के बैग में डालना पड़ रहा है सब कुछ। वेरी गुड, अच्छा काम किया बड़ा बैग लाके, वेल डन। ऐसे सूटकेस का सही होता है भाई, रेड रेड के ले जो कहीं भी। पहले जब मैं इंटरनेशनल जाया करता था तो मैं ऐसे बैकपैक ही ले जाता था पीछे बड़ा सा, तो वो कंधों पे ना बड़ा बोझ पाता था। इसे देख लो, बैग भी दूसरों से उठवाना है, किसी काम के तो बन लो जिंदगी में तुम, बस शट अप। ओ भाई साहब ये देखो क्या मस्ती चीज है, ऐसे पूरा पिंक पिंक सा, दिल्ली का जैसे लोटस टेम्पल है ना वैसे ही कोई बना रखा है। लो जी हमारी छुटकू सी एस्प्रेसो आ गई है, एस्प्रेसो एक्सप्रेसो जो भी है लगेज का, डिक्की में मेरे को आगे बाय। चलो जी ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय, आओ कभी गुड़गांव जल्दी से। आज भाई साहब 2.5 साल के बाद मैं वापस से फ्लाइट में बैठने वाला हूँ। 2019 में ना मैं एक ही साल में लगभग 25 फ्लाइट्स ली थी, 9 कंट्रीज कवर करी थी। उसके बाद 2020 में दुबई गया था मैं उनके साथ, फिर भाई साहब कोविड ऐसा आया कि इंटरनेशनल ट्रिप हो ही नहीं पाई, उस बात को आज 3 साल हो चुके हैं। बट 2020 के एंड में ही मैं मयंक के साथ गोवा गया था फ्लाइट से, तो वही मेरी फ्लाइट थी लास्ट भाई। उसके बाद अब लगभग 2.5 साल देख लो, और 2.5 साल के बाद फ्लाइट में बैठ रहा हूँ।
ऐसा भीड़ तो तगड़ी लगी पड़ी है यहाँ पे देखना। ओए होए अंदर का तो नजारा ही अलग दिख रहा है एयरपोर्ट का, यहीं से इतना सही लग रहा है अंदर जाकर तो। ओए होए अभी हमें 4 नंबर गेट से एंटर करना है विस्तारा का काउंटर में आए। वैसे दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली ना 3,500-4,000 में मिल जाती है फ्लाइट, बट हमने 2 दिन पहले ही बुक करी। ऊपर से आज शायद से लेबर डे है और महाराष्ट्र डे है तो बहुत महंगी पड़ी, 7,500-8,000 रुपए की विस्तारा की। तो क्या ही करे भैया, कुछ और ऑप्शन नहीं था। ट्रेन की भी टिकट नहीं मिल रही थी, इसकी भी एंड मोमेंट पे गई तो महंगी मिली। ये तो सारे गेट्स पे बहुत तगड़ी लाइन लगी पड़ी है, इस पे थोड़ी कम है बट आगे जाते आते काफी हद तक कम हो जाएगी तो ठीक है। अभी वैसे हमारे पास 3 घंटे का टाइम है तो आराम से जा सकते हैं। यहाँ भी भीड़ है भाई साहब, एंड वाले गेट तक तो आ ही गए, यहीं से घुसना पड़ेगा। भाई साहब 2.5 साल के बाद एयरपोर्ट के दर्शन हो रहे हैं, बट भाई साहब क्या सही एयरपोर्ट है मुंबई का। ओए होए होए तगड़ा, टर्मिनल 2 पे है अभी हम। वैसे तो हमने वेब चेक इन कर लिया है तो देखते हैं सीधा गेट के वहीं जाएंगे। हमें भाई 20 किलो तो चेक इन बैगेज मिला हुआ है, मेरा तो होगा 10-12 किलो, इसका होगा 20 किलो। 7 किलो का अपना कैबिन बैगेज भी है तो वो तो है मेरा 7 किलो, तो दोनों नहीं खाली, ये जो चेक इन बैगेज है ये यहाँ पे देके फिर जाते हैं किसी लाउंज में, क्योंकि अब भाई 3-4 कार्ड है किसी ना किसी का तो अवेल करके मस्ती में 1 रुपए में क्या क्या मजे करेंगे दिखाऊंगा। दोनों का बैग है भाई टोटल 22 kg, बताओ। मुझे लग रहा था ये मेरा ही रहा कहीं 20 किलो से ऊपर, सही है चलो ज्यादा मतलब इतना भारी है नहीं, क्योंकि इसका वाला बहुत हल्का है, मेरे वाले सारे फ्रेम्स वगैरह भर रखे हैं इसने। गेट नंबर मिला भाई अपने को 87A और अभी सिक्योरिटी में हैंड बजेगी क्योंकि इतना सामान है बैग में जो सारा निकालना पड़ेगा। चलो भाई सिक्योरिटी चेक हो गया है और मेरे बैग में ना वो थी जिसमें हमने इंडियन फ्लैग लगाया था ना, तो वो स्टिक थी, अब वो मेटल की स्टिक थी, इस चक्कर में उन्होंने रोक लिया मतलब बैगेज के टाइम पे, तो मैंने बोला मैं अपना उसके लिए है तिरंगे के लिए, तो उन्होंने छोड़ ऐसे लगाएंगे और गेट खुल जा, खुल गया जी। चलो यहाँ से थोड़ी दिल्ली वाले से, हाँ अभी तो हम डोमेस्टिक वाले गेट में घुसे हैं, दिल्ली वाले से हम T3 इंटरनेशनल वाले में जाएंगे। तो यहाँ पे भाई ये है अडानी लाउंज, लेट्स सी अपने कार्ड पे मिलेगी यानी एंट्री, कौन सा कार्ड कर रहे हो FI का। चलो भाई अपने SBI वाले कार्ड से मिल गया, पांडे और करवा रहा है अपना। आते भाई सब कुछ लगा दिया चार्ज पे, हालांकि चार्जर चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, ट्राई करके देखते हैं एक बार। वो चल गया ये। तो यहाँ पे इन्होंने तो कर दिया एडिटिंग शुरू, अपना कुछ काम नहीं है बस चार्ज करना है। और अपने कार्ड से SBI वाले से 2 रुपए कटे, तुम्हारे भी 2 ही कटे ना, 2 रुपए कटे ना, 2 रुपए कटे भाई दोनों के, 2 रुपए सही है। मेरा प्राइवेट बैंक है तुम्हारा वो है गवर्नमेंट, हाँ सही बात है। और एक चीज और भाई, यहाँ पे फूड जो है वो बस कॉम्प्लीमेंट्री है एक तरह से, मतलब अनलिमिटेड ड्रिंक्स जितनी भी है वो चार्जेबल रहेगी, तो वो आपको पे करके ही लेनी पड़ेगी। उधर की साइड भाई बिजनेस क्लास वालों के लिए, इधर अपना नॉर्मल इकोनॉमी वालों के लिए, एंड काफी बड़ा है, उधर खाना वाना लगा हुआ है। अभी चल रहे हो? नहीं लेंगे, मैं वैसे ज्यादा हैवी खाऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत ही खाऊंगा, बट वसूल तो करेंगे ना कुछ। यहाँ पे भाई 2 WiFi है, एक तो एयरपोर्ट वालों को और एक इन लाउंज वालों का अडानी का, तो इनका चेक करते हैं क्या स्पीड आ रही है। उम्मीद तो है 200-300 Mbps से ऊपर आएगी, बट इतने लोगों ने कनेक्ट कर रखा होगा तो कह नहीं सकते। फुसड्डी निकला भाई, ये तो 5 Mbps थी, बकवास। चढ़ जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा, एयरपोर्ट का तेज होगा वो चेक करते हैं। इसमें शायद से नंबर डालना पड़ेगा और OTP आएगा। हेलो, ये तो हो ही नहीं रहा कनेक्ट, वाह नहीं हो रहा भाई एयरपोर्ट का तो कनेक्ट, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ब्राउजिंग वगैरह तो तेज हो रही है बट वही है डाउनलोड स्पीड नहीं। तब छोड़ो भाई, चलते हैं खाना वाना लेने के लिए, लेट्स सी क्या क्या है। बहुत सारे ऑप्शन है भाई वेज नॉन वेज के, जो एज यूजुअल सारे लाउंजेस में होते हैं। फटाफट से अपना वेज डालते हैं और चलते हैं, बहुत काम करना है, आधा पौना घंटा बचा सिर्फ। मेन कोर्स में तो ज्यादा चीजें नहीं थी, चिकन बिरयानी थी जो मैं खाऊंगा थोड़ी देर में, बट अभी मैं लेकर आया हूँ चिकन सैंडविच, तरबूज और ये पता नहीं क्या था, मैं अच्छा सा लग रहा था, मीठा ही है शायद। इधर पास्ता आ गया, चिकन सैंडविच का टेस्ट बहुत मस्त है, पास्ता ठंडा सा तो मजा नहीं आ रहा। बिरयानी टेस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। वो सामने वहाँ पे कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक और पानी भी अनलिमिटेड है, बस जो ड्रिंक दूसरी टाइप की है वो पे करने पड़ेंगे, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो शायद इंटरनेशनल वाले लाउंजेस में होती है फ्री, हम डोमेस्टिक वाले में है पता नहीं, कह नहीं सकते। इसके लिए तो बेचारे के पास कम ही ऑप्शन है, मेरा राउंड 2 चल रहा है यहाँ पे। मिर्च पनीर है भाई, वेज में कम ऑप्शन है, चिकन में तो बिरयानी मिल गई भाई, मजेदार रहा। चलो कितना खाओगे भाई, बस फ्लाइट पे बैठना है फिर उल्टियाँ मारोगे वहाँ। लाओ है भाई क्या खाए, अयो वैज चीज़ें भाई टेस्ट में भी अच्छी नहीं है, बट चिकन बिरयानी मस्त है एकदम, जैसी मुझे पसंद है वैसी, ज़्यादा मिर्ची नहीं मसाले नहीं, नॉर्मल। चलो भाई आधा घंटा रह गया है अपना फ्लाइट उड़ने में और बोर्डिंग के लिए कॉल भी आ गई है 2 बार, तो जल्दी कटते हैं भाई साहब। फ्लाइट नजदीक है, सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं उड़ने के लिए, बोर्डिंग तो 10 बजे शुरू होनी थी, हम ऑलरेडी लेट हो गए, 10:30 बज गए हैं, हम थोड़ा सा भूले कि हमें देखी 10:50 की बोर्डिंग है, बट 10:50 की नहीं, 10:50 में तो उड़ना है फ्लाइट। पहुंच गए भाई टाइम से, अभी छूट ही जाती फ्लाइट, 5 मिनट से भागे भागे आए। चलो शुक्र है भाई अभी लाइन लगी पड़ी है, अंदर तक गए नहीं सब, बच गए, हालत खराब। हाँ भाई एनी कमेंट्स? पहुंच गए, आदत नहीं सुधारोगे तुम अपनी? तुम सुधारो, चुप रहो ठीक है ना, आखिरी के 15 मिनट बचे हैं उसमें पॉटी भाग गया,
वो तो फोन भी नहीं उठा रहा है, एक तो दिमाग खराब। विस्तारा में ना मैं पहले भी ट्रेवल कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और इस बार तो हमें इमरजेंसी विंडो वाली सीट मिली थी जिसमें ना लेग रूम थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता, तो मस्त पैर फैला के बैठ सकते हैं। स्टार्टिंग में बड़ी गर्मी सी लग रही थी, एसी काम नहीं कर रहा था ढंग से, बट उसके बाद सही करने लग गया भाई, मस्त चिल्ड हो गया था। और ये शायद से 8 या 9 इंच की इसमें डिस्प्ले दे रखी थी जिसमें भाई काफी कॉन्टेंट था, मूवीज भी थी, गाने भी थी, गेम्स भी थे, एंड लाइब्रेरी भी ना अच्छी थी भाई, हिंदी मूवीज थी जैसे कि मैं फुकरे देख रहा था, मस्त मजा आ गया। एंड उसके बाद भाई बिल्कुल करेक्ट टाइम पे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। एंड इसी स्क्रीन पे ना आप देख सकते हो भाई कितनी स्पीड से उड़ रही है अपनी फ्लाइट, कहाँ पहुंच गई है, कितनी देर में पहुंचेगी दिल्ली, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी होती है। फिर मैं मूवी देखता रहा भाई, बहुत मजे आ रहे थे, इतने सालों बाद फुकरे देखी वापस से। एंड देखते ही देखते हमें कॉम्प्लीमेंट्री मील भी मिल गई। जी हाँ भाई, लोग बिल्कुल फ्री थी, वेज नॉन वेज दोनों थे, बट मेरे को भूख लग नहीं रही थी तो पांडे ने ही एक वेज वाली ले ली जिसमें भाई छोले कुलचे रायता पानी की बोतल और एक ड्रिंक दी थी 10 रुपए वाली। खाना वेज तो अच्छा था बट नॉन वेज का मैं कह नहीं सकता। एंड भाई साहब बीच में तो टर्बुलेंस भी आई थी, इतनी तगड़ी सी, मतलब पूरी फ्लाइट ऐसे झूल गई थी, बट ज्यादा देर की नहीं थी, 10 मिनट की थी। उसके बाद फाइनली हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 यानी दिल्ली के एयरपोर्ट पे लैंड कर गए। ये सब लोग भागने की लग रही है भाई, जल्दी जल्दी पहुंच गए भाई, 1:30 बजे 20-25 मिनट लेट हुए, बट कोई नहीं पहुंच गए। वेदर भी ठीक हो रहा है दिल्ली में ना, ठंडा सा हो रहा है, 20 डिग्री है यहाँ पे। और इधर छोड़ा भाई, बस में जाना पड़ेगा, टर्मिनल के पास नहीं लेकर गए, कहीं में ठंड लग रही है भाई, वहाँ तो गर्मी थी। और ये भाई हमारा प्लेन था विस्तारा का, कितना ह्यूज है, इसका इंजन ही देखो भाई साहब, इतनी तेज आवाज कर रहा है क्या बताऊं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अभी जो हमारी दुबई वाली फ्लाइट है ना, वो एमिरेट्स की है भाई साहब, वो इससे और बड़ी है मेरे ख्याल से। हाँ बड़ी है शायद, क्योंकि तीन लाइन होती है, दो में उसमें 9 लोग बैठे हैं। हाँ, और इसमें टोटल बैठे हुए थे 6 लोग बैठे हुए थे इसमें, उसमें टोटल 9। तो अपना बैग जाएगा भाई 4 नंबर बेल्ट पे, अब जल्दी आ जाए, वेट ना करना पड़ेगा क्योंकि सुस्त सुधाना मेरे को बहुत तेज। बहुत पानी पी लिया फ्लाइट में मैंने बैठे बैठे, और बोतल भी छूट गई मेरी गलती से फ्लाइट में, वहीं सीट के वहीं, बताओ। तुम्हारा लैपटॉप मैंने दिया, वरना तुम लैपटॉप भूल जाते। याद तो गया तुम्हारा, अच्छा ये नहीं है, ऐसा ही था कुछ, कलर बदल लिया इसने। चलो भाई अपना बैग भी आ गया, 15 मिनट बाद पूरे पकड़ लो, अब जल्दी जल्दी सुस्तू करना है, बहुत तेज ही एयरपोर्ट पे वापस आना है अब हमें। और सेम ही टर्मिनल है T3, बस जो डिपार्चर डोमेस्टिक है, अभी हमारा अराइवल डोमेस्टिक है, वहाँ पे डिपार्चर इंटरनेशनल होगा। क्या कर रही हो? कैब बुक कर दी थी मैंने अंदर ही, और वहाँ पर आ गई होगी जो पिकअप पॉइंट है ना T3 का। भाई वहाँ पर जो हमने वो किया ना, लाउंज एक्सेस किया, वो हमारे तो क्रेडिट कार्ड की वजह से सिर्फ 2 रुपए ही लगे जिनके पास होता है, बट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर कोई भी लाउंज का ऑफर नहीं है तो 1717 रुपए वहाँ के चार्जेस थे, जिसमें फूड आपको अनलिमिटेड बुफे मिलेगा, ड्रिंक्स के ऑब्वियसली अलग होंगे, तो 17 रुपये 100 में वैसे ले लो, उसमें रेस्ट करना है, खाना है, जो करना है कर लेना, चार्ज करना है चार्ज कर लेना, या फिर क्रेडिट कार्ड ले लो सबसे बढ़िया, 2 रुपये में मजे पूरे के पूरे। ये देखो यहाँ पर पिकअप जोन बनाया हुआ है, ओला का अलग है, उबर का अलग है, तो हमारी गाड़ी जो है इस पॉइंट पे आके खड़ी हो जाएगी अपने आप। तो अपना फ्लाइट से लैंड होते ही सीधा बुक कर दो, ताकि यहीं पे जब तक आप पहुंचो तब तक आपकी गाड़ी भी पहुंच चुकी हो, वेट करना ही ना पड़े। ओ, इन्होंने मछलियों का लगा दिया भाई, पहले नहीं था ये, वाह देखा, 2 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा, गाड़ी आ गई अपनी अंदर से बुक करने के फायदे। चलो जी घर पहुंच गया फाइनली। बारिश वारिश आई है क्या 2-3 दिन यहाँ, है ना, जब इतनी ठंडा हो रहा है मौसम। तो पांडे अपनी लेकर जा रहा है गाड़ी, यहाँ पे खड़ी हुई थी i10, और जिस दिन इवेंट हुआ था उसी दिन से स्पीकर भी यहीं पे पड़े हुए, तो ये भी अब गाड़ी में रखवाई देते हैं, इसी के अभी से। तो अब 4 महीने भाई साहब ये पार्किंग खाली रहेगी, गई मेरी स्कॉर्पियो अपनी, अब हमें सीधा ईरान जाके मिलेगी। काफी लोग पूछ रहे थे कितने दिन लगेंगे ईरान पहुंचने में, तो अभी मुंबई से गाड़ी निकली नहीं है, 3 या 4 तारीख को निकलेगी ना, तो उसके बाद अराउंड 6 दिन या 7 दिन लगेंगे। वैसे तो उन्होंने ट्रांजिट का 5 दिन का बोला है, बट 1-2 दिन ऊपर लेकर भी चले तो 4 को निकलती है, तो 11-12 तक मैक्स ईरान पहुंच जाएगी। फिर इनका कुछ 1-2 दिन का कूलिंग पीरियड होता है, वो सब निपटाएंगे, तो वही है 13-14 तक गाड़ी छूटने वाली होगी, और 13-14 तक ही हम पहुंचेंगे अपना ओमान से ईरान तक, तो मज़ा आ जाएगा। बाकी चलो भाई थोड़ी ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका, बाय।